हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम श्रवण है और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट सिटी गाइड में। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे देश का 90% से ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड पोर्ट्स द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और अगर वैल्यू की बात करें तो टोटल ट्रेड का 70% से ज़्यादा वैल्यू पोर्ट द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वर्तमान में हमारे देश में 12 मेजर पोर्ट्स और 200 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं, और हमारे देश के सभी पोर्ट्स की कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी कुल मिलाकर 1500 मिलियन टन्स पर ईयर है। लेकिन 2025 तक हमारे देश में कार्गो ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी बढ़कर 2500 मिलियन टन्स पर ईयर होने का अनुमान है। इन परिस्थितियों को देखते हुए हमारे देश में पोर्ट्स की कैपेसिटी को इन्हेंस करना काफी आवश्यक है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2025 तक हमारे देश के पोर्ट्स की कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करके 3500 मिलियन टन्स पर ईयर तक किया जाए, एवं इसके लिए हमारे देश में नए मेगा पोर्ट्स का निर्माण किया जाएगा और पुराने एग्जिस्टिंग पोर्ट्स को भी अपग्रेड किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हमारे देश के टॉप 5 अंडर कंस्ट्रक्शन मेगा पोर्ट्स के बारे में, और अंडर कंस्ट्रक्शन पोर्ट्स के ऊपर बनने वाले सीरीज का यह पार्ट 1 है। बाकी के 5 पोर्ट्स को पार्ट 2 में कवर किया जाएगा। इनके निर्माण के बाद हमारे देश की अर्थव्यवस्था एक नई ऊंचाई पर जाएगी, एवं लॉजिस्टिक्स पे लगने वाले खर्च में भी कमी आएगी। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 पे बात करते हैं बेलेकेरी पोर्ट के बारे में, जो कि कर्नाटक स्टेट के उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट के अंकोला तालुका में स्थित है। यह एक अंडर कंस्ट्रक्शन पोर्ट है जिसका निर्माण सागरमाला प्रोग्राम के अंतर्गत किया जा रहा है। यह पोर्ट 154 हेक्टेयर के लैंड एरिया में फैला होगा। इस पोर्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP मॉडल पर डेवलप किया जा रहा है। इस पोर्ट का टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार हो चुका है, जिसको कि आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, कंसल्टिंग, ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन, इन शॉर्ट AECOM टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन ने तैयार किया है वर्ष 2016 में। इस पोर्ट के बन जाने के बाद मुरमगांव पोर्ट और न्यू मैंगलोर पोर्ट से कार्गो ट्रैफिक लोड भी रिड्यूस होगा। अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो यह पोर्ट साउथ वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से वेल कनेक्ट होगा वाया डेडिकेटेड रेलवे लाइन, एंड नेशनल हाईवे नंबर 66 और नेशनल हाईवे नंबर 48 से भी वेल कनेक्ट होगा। इस पोर्ट को टोटल 3 फेजेस में डेवलप किया जाएगा, एवं पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाने के बाद इस पोर्ट की कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 36.68 मिलियन टन्स पर ईयर होगी। इस पोर्ट का फेज 1 2021 में बनकर तैयार हो जाएगा, और पूरी तरीके से यह पोर्ट 2035 तक बनकर तैयार हो जाएगा, एवं इसके निर्माण में लगभग 5000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नंबर 4 पे बात करते हैं सागर आइलैंड पोर्ट के बारे में, जो कि सागर आइलैंड साउथ 24 परगनाज डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल स्टेट में स्थित है। इस पोर्ट का निर्माण भी सागरमाला प्रोग्राम के अंतर्गत किया जा रहा है। यह पोर्ट 197 हेक्टेयर के लैंड एरिया में फैला होगा, एवं इस पोर्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल यानी PPP मॉडल पर डेवलप किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि वेस्ट बंगाल में कोलकाता पोर्ट और हल्दिया पोर्ट वर्तमान में मौजूद है, लेकिन यह अपनी क्षमता के बाहर काम कर रहा है, एवं फ्यूचर एक्सपेक्टेड ट्रैफिक को देखते हुए कोलकाता पोर्ट और हल्दिया पोर्ट को भी एक्सपैंड किया जा रहा है। इसके साथ ही नए सागर आइलैंड पोर्ट का भी निर्माण किया जा रहा है। इस पोर्ट का टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर लिया गया है, जिसको कि AECOM टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन ने तैयार किया है, एवं इसका डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि DPR IIT मद्रास द्वारा तैयार किया जा रहा है। अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो यह पोर्ट ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से वेल कनेक्ट होगा वाया न्यू डेडिकेटेड रेलवे लाइन फ्रॉम सागर आइलैंड टू धानकुनी। अगर रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो यह पोर्ट 4-लेन रोड नेशनल हाईवे नंबर 12 द्वारा वेल कनेक्ट होगा फ्रॉम सागर आइलैंड टू जोका कोलकाता। इस पोर्ट की डेप्थ 10.5 मीटर है, जो कि कोलकाता पोर्ट की डेप्थ 6 मीटर और हल्दिया पोर्ट की डेप्थ 8 मीटर से भी डीप है। इस प्रकार यह वेस्ट बंगाल का डीपेस्ट पोर्ट होगा। इस पोर्ट के निर्माण के बाद कोलकाता पोर्ट और हल्दिया पोर्ट से भी कार्गो ट्रैफिक लोड रिड्यूस होगा। इस पोर्ट को टोटल 4 फेजेस में डेवलप किया जाएगा, और पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाने के बाद इस पोर्ट की कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 27 मिलियन टन्स पर ईयर होगी। इस पोर्ट का फेज 1 2023 या 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा, और पूरी तरीके से यह 2038 तक बनकर तैयार होगा, एवं इसके निर्माण में लगभग 12000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नंबर 3 पे बात करते हैं विडिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट के बारे में, जिसका निर्माण केरल स्टेट के थिरुवनंतपुरम के विडिंगम में किया जा रहा है। यह पोर्ट 197 हेक्टेयर्स के लैंड एरिया में फैला होगा, और यह सदर्न इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट होगा आफ्टर फुल्ली ऑपरेशनल। इस पोर्ट को विडिंगम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट या पोर्ट ऑफ विडिंगम के नाम से भी जाना जाता है।
इसको पीपीपी मॉडल पर डेवलप किया जा रहा है और इसका टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर लिया गया है, जिसको कि एईकॉम टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन ने तैयार किया है इन द ईयर 2013। विडिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट की खास बात यह है कि इसका डेप्थ 24 मीटर होगा। इस प्रकार यह इंडिया का वन ऑफ द डीपेस्ट पोर्ट होगा। अगर बात करें कनेक्टिविटी की तो यह पोर्ट थिरुवनंतपुरम से न्यू डेडिकेटेड रेलवे लाइन द्वारा वेल कनेक्ट होगा और नेशनल हाईवे नंबर 66 से भी वेल कनेक्ट रहेगा। अगर बात करें कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी की तो इस पोर्ट की टोटल कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 43.5 मिलियन टन पर ईयर होगी और यह पोर्ट पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाने के बाद पर ईयर 3 मिलियन ट्यूब्स को हैंडल कर पाएगा। यहाँ पर ट्यूब या 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट एक मेजरमेंट यूनिट है जिसका इस्तेमाल किसी भी पोर्ट की कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को डिस्क्राइब करने में किया जाता है, एवं 1 ट्यूब या 120 फुट इक्विवेलेंट यूनिट एक स्टैंडर्ड साइज्ड कंटेनर को रिप्रेजेंट करता है जिसकी लेंथ 20 फुट होती है और एक कंटेनर का वेट अप्रोक्स 14.5 टन्स होता है। इस पोर्ट के निर्माण के बाद लॉजिस्टिक्स के खर्च में कमी आएगी, साथ ही केरल की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था में भी यह पोर्ट महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस पोर्ट का फेज वन 2021 में बनकर तैयार हो जाएगा एवं फेज वन के निर्माण में लगभग 7,525 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे तथा फेज वन के निर्माण के बाद इस पोर्ट की कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 12.5 मिलियन टन पर ईयर होगी। दूसरे शब्दों में यह पोर्ट फेज वन के निर्माण के बाद 8,20,000 टन ट्यूब्स को पर ईयर हैंडल करने के कैपेबल होगा। विडिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट को टोटल 3 फेजेस में डेवलप किया जा रहा है और यह पूरी तरीके से 2035 में बनकर तैयार होगा। नंबर 2 पे बात करते हैं पारादीप आउटर हार्बर पोर्ट के बारे में, जिसका निर्माण उड़ीसा के पारादीप में किया जा रहा है। इस पोर्ट को सागरमाला प्रोग्राम के अंतर्गत डेवलप किया जा रहा है और यह पोर्ट 223 हेक्टेयर के लैंड एरिया में फैला होगा। इसका टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर लिया गया है, जिसको कि एईकॉम टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन द्वारा तैयार किया गया है अंडर पारादीप पोर्ट ट्रस्ट इन द ईयर 2016। जैसा कि आपको पता है कि उड़ीसा में पारादीप पोर्ट पहले से ही मौजूद है, लेकिन यह अपनी क्षमता के बाहर काम कर रहा है, इसीलिए उड़ीसा में नए पारादीप आउटर हार्बर पोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। इस पोर्ट के निर्माण के बाद पारादीप पोर्ट से भी कार्गो ट्रैफिक लोड रिड्यूस होगा। पारादीप आउटर हार्बर पोर्ट की डेप्थ 17.1 मीटर होगी। इस प्रकार यह इंडिया का वन ऑफ द डीपेस्ट पोर्ट होगा। इस पोर्ट को पीपीपी मॉडल पर डेवलप किया जाएगा। अगर बात करें कनेक्टिविटी की तो यह पोर्ट ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर द्वारा वेल कनेक्ट होगा। इसके साथ ही रोड कनेक्टिविटी के लिए इस पोर्ट को नेशनल हाईवे नंबर 16 चेन्नई कोलकाता हाईवे से भी कनेक्ट किया जाएगा। इस पोर्ट को टोटल 4 फेजेस में डेवलप किया जाएगा और पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाने के बाद इस पोर्ट की कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 144 मिलियन टन पर ईयर होगी। इस प्रकार यह इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट सी पोर्ट होगा। पारादीप आउटर हार्बर पोर्ट का फेज वन 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा और यह पूरी तरीके से 2036 तक बनकर कंप्लीट हो जाएगा एवं इसके निर्माण में कुल 8,767 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नंबर 1 पे बात करते हैं वाधवन पोर्ट के बारे में, जिसको कि महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है और यह पोर्ट महाराष्ट्र स्टेट के पालघर डिस्ट्रिक्ट के दहानू तालुका के वाधवन में स्थित है। इसका निर्माण सागरमाला प्रोग्राम के अंतर्गत किया जा रहा है और यह पोर्ट हमारे देश के सबसे बड़े पोर्ट्स में से एक होगा। वाधवन पोर्ट को पीपीपी मॉडल पर डेवलप किया जाएगा। यह पोर्ट कुल मिलाकर 567 हेक्टेयर्स के लैंड एरिया में फैला होगा एवं इसको टोटल 4 फेजेस में डेवलप किया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में मुंबई के पास नवी मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मौजूद है, जो कि अपनी क्षमता के बाहर काम कर रहा है, एवं निकट भविष्य की परिस्थितियों को देखते हुए मुंबई में एक और नए पोर्ट की आवश्यकता है। इसीलिए मुंबई से 100 किलोमीटर नॉर्थ में नए विशालकाय वाधवन पोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। इस पोर्ट के निर्माण के बाद जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से कार्गो ट्रैफिक लोड भी रिड्यूस होगा। अगर बात करें कनेक्टिविटी की तो यह वाधवन पोर्ट वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से भी कनेक्ट किया जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी इसको कनेक्ट किया जाएगा एवं दिल्ली मुंबई हाईवे या नेशनल हाईवे नंबर 48 से भी इसकी कनेक्टिविटी होगी। इस पोर्ट का टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर लिया गया है, जिसको कि एईकॉम टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन ने तैयार किया है इन द ईयर 2016। वाधवन पोर्ट की डेप्थ
18 मीटर होगी। इस प्रकार यह इंडिया का वन ऑफ द डीपेस्ट पोर्ट होगा। अगर बात करें कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी की, तो इस पोर्ट की टोटल कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 254 मिलियन टन्स पर ईयर होगी आफ्टर फुल्ली ऑपरेशनल। दूसरे शब्दों में यह पोर्ट प्रति वर्ष मोर देन 10 मिलियन ट्यूब्स को हैंडल करने के कैपेबल होगा। वाधवन पोर्ट का फेज वन 2023 तक बनकर तैयार होगा एवं पूरी तरीके से यह 2035 तक बनकर तैयार होगा। फेज वन के निर्माण के बाद यह पोर्ट 0.8 मिलियन ट्यूब्स पर ईयर हैंडल करने के कैपेबल होगा एवं इस पोर्ट के निर्माण में कुल 65,545 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो ये था हमारे देश के टॉप 5 निर्माणाधीन पोर्ट्स की जानकारी। बाकी के पोर्ट्स को पार्ट 2 में कवर किया जाएगा। और अगर आप सागरमाला परियोजना की विस्तृत जानकारी चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए आइकन को क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।